हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल पम्मीज़ लाइफ। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपने गर्मियों में कई तरह के जूस बनाए होंगे, स्मूदीज़ बनाई होगी, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करके रखे, रिफ्रेशिंग जूसेस बनाए होंगे। बट आपने शायद ही ये इस फल का जूस बनाया होगा। तो आप देख रहे हो ना, ये जो फल है जो बहुत ही प्यारा लग रहा, गोल्डन कलर का, इसे हम बेल कहते हैं हिंदी में, और इसका नाम इंग्लिश में आप वुड एप्पल भी कह सकते हो या फिर स्टोन एप्पल भी कह सकते हो। तो ये एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है, जो हम पूजा करते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं बेलपत्र, ये उसी का फल है। तो ये इतने इसके गुण हैं, मैं वीडियो के एंड तक आप बने रहना, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना, आपको उसके फ़ायदे मैं बताऊंगी और ये जूस पीना ज़रूरी क्यों है गर्मियों में, ये भी मैं बताऊंगी। तो आप बिल्कुल एंड तक आप वीडियो के बने रहिए। तो जो बेल होता है, ये आपके वज़न को घटाने में भी काफ़ी मदद करता है। मैं तो जूस बना रही हूँ, बट आप इसे बेल को जब पक जाए तो आप ऐसे भी स्पून से निकाल कर खा सकते हो। इवन इसके बीज भी खाया जाता है, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है ना, इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, जो कि आजकल इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि झटपट सभी को बीमारियां हो जाती हैं। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो सभी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। तो ये देखिए, ये अंदर का पल्प है, ये बेल मैंने तोड़ दिया ना, ये देखिए बीज भी दिख रही है, बीज अंदर में है और ये सारा पल्प है। ये पूरा पल्प निकाल कर मैं इसका जूस बनाऊंगी, और इसके बीज मैंने निकाल दिया है आज, बट इसको आप बीज सहित भी आप ग्राइंड कर सकते हो, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट खाते समय आप ज़रूर निकाल दोगे, अगर सपोज आप इसके जूस नहीं बना रहे हो, डायरेक्ट खा रहे हो स्पून से निकाल के, तब आप ज़रूर निकाल देना। बट जूस बनाते समय ये आपकी मर्ज़ी है, आप बीज को पीस भी सकते हो या फिर उसको निकाल कर अलग कर सकते हो। तो मैंने दोनों तरह से बनाया था, पहली बार मैंने जब बनाई तो इसको मैंने बीज निकाल दिया था। तो देखिए, इस तरह से आपको ना सख्त ज़मीन पे पटकना है इसको ज़ोर से, और फिर देखिए इसके अंदर के सारे पल्प। ये बचपन में हमारे घर पे ये बेल का पेड़ था, तो काफ़ी फ्रूट्स उसमें होते थे, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी खाने के लिए, इसके जूस पीने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं छूती थी। बट अब मुझे समझ में आया कि इसके कितने गुण हैं, अब तो मैं एवरी डे या फिर ऑल्टरनेट डे पे इसके जूस जरूर बनाती हूँ घर पे। तो इस तरह से ना, आप पहले बर्तन में इसके सारे जो अंदर के पल्प हैं वो निकाल लीजिए, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी खाओगे ना तो बहुत ही यम्मी लगता है ये। तो ये मैं इसके सारे जूस निकाल रही हूँ, सॉरी पल्प निकाल रही हूँ। तो आपको धीरे धीरे करके स्पून की मदद से इसके सारे पल्प जो है एक बड़े से बर्तन में निकालना, कि ठीक है, क्योंकि अभी हम इसके जो है बीज को अलग करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आप बीज को अलग ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ही स्मूथ बने आपका ड्रिंक, तो फिर उसमें आपको बीज को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके ये आपको जूस बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपके काफ़ी जो है आपकी जो डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है ना, अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो वो सब दूर करता है ये, अगर आप इसको रेगुलर लेते हो। तो मैंने इसमें ना पल्प निकाल, ये मैंने बेल को निकाल दिया इसका सारा पल्प, और इसके बाद पल्प में जो उसके सीड थे और जो थोड़े से इस फाइबर, बहुत ही फाइबर इसके अंदर होता है, तो देखो जो भी है थोड़ा बहुत मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब इसको हम क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चे क्या बड़े भी जैसे चाहते हैं कि बिल्कुल ही जो ये हो बिल्कुल स्मूद हो, तो उसके लिए ग्राइंड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बेल का मैंने ये बनाया था, तो एक बेल में आपका इजीली 6 ग्लास बन करके आ जाता है, ठीक है। तो शुगर आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि मैंने 6 ग्लास मैंने बनाए थे, तो इसमें मैंने 4 चम्मच मैंने चीनी डाला था, और आइस क्यूब भी आप बिल्कुल डालिए, ठीक है। जितना ठंडा रहेगा उतना ही पीने में आपको मज़ा आएगा। तो मैंने पूरा एक ट्रे मैंने पूरा आइस क्यूब डाल दिया था, और 4 चम्मच चीनी बड़े चम्मच से मैंने इसमें डाले थे, और एक बेल से मेरा 6 ग्लास बनकर रेडी हुआ था, ठीक है। इसमें 3 ग्लास पानी जाएगा। तो इस तरह से बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए आप एक बार, ठीक है। और इसके अंदर इतने फाइबर होते हैं ना, आपकी सारी अगर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल ही आपकी इतना बढ़िया हो जाएगा ना, कि आप ज़रूर मुझे थैंक यू करोगे कि आपने इतनी बढ़िया चीज़ हमें बताई है।
फ्रेंड्स आप ये ज़रूर ट्राई करना, मार्केट में आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसको हम एप्पल सॉरी स्टोन एप्पल भी कहते हैं और वुड एप्पल भी कहते हैं और हिंदी में इसे बेल कहते हैं, ठीक है। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा ना, और पीने में भी सभी फैमिली वालों को बहुत अच्छा लगा, इवन मेरा बेटा भी पिया, जो कि बच्चे जल्दी ये सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। मैं खुद बचपन में नहीं पीती थी, बट बेटे ने भी पिया और उसने तारीफ़ भी करी, तो आप ज़रूर पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए, ठीक है। और गर्मियों में इससे बढ़िया ड्रिंक हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है, ठीक है, पानी की कमी को दूर रखता है। और आपने सब तरह के जूस पिए, एक बार ये ट्राई कीजिए आप, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए आपने बनाया तो कैसा बना। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।